हाँ दोस्तों, देखिए हाय। तो ये हमारी टीम है। आज हम लोग का लगभग 8वां 9वां दिन होगा हाँ 9 दिन है। और शूट चल रहा है मूवी का। उसमें जो कि हीरोइन का रोल निभा रही है हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस गाजीपुर की सुनीता सिंह जी, और एक और है मॉडल रितु सिंह जी, रितु सिंह और हीरो का रोल निभा रहे हैं राजू यादव जी और देवालाल यादव जी। बहुत ही अच्छे सिंगर और उनके साथ एक्टर भी हैं। और हम लोग के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं सरोज यादव और सर का क्या नाम है, राम सिंह जी। बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही इंसान, सबको सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि और हमको सौभाग्य हुआ कि संदीप भैया के साथ टीम में काम करते करते मूवी के गानों में मुझे कोरियोग्राफ करने का मौका मिले। इसके लिए गानों से लेकर नहीं, हम लोग चाहते तो पूरी फिल्म का भी प्रमोटेड कर सकते, लेकिन सबका एक भूमिका होती है, सबकी एक किरदार होती है, जो डायरेक्टर अपना शो करता है कि हमें किसको किस लेवल पर काम देना है। तो कल हम लोग का था, कल हमारा डायरेक्शन था, इनका कोरियोग्राफिंग था, इनका डांस का जितना स्टेपिंग था लाजवाब, और हमारा काम था उसको डायरेक्शन करना ताकि वो गाने हो जाए बेस्ट और आप लोगों के दिल में उतर जाए। और आप सभी लोग को बता दें कि ये फिल्म बहुत ही प्यारा है और जय दो भाई के बीच की कहानी है, और एक ठाकुर साहब हैं और यादव जी हैं, उनके लेवल पर काम हो रहा है। पहले होता था बहुत बड़े घर से लड़की, गरीब घर के लड़की नहीं होती थी। अब जाति पे जो मैटर उठ रहे हैं, जो राजनीति खेली जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को बनाया जा रहा है। और बहुत सारे हैं भारत सरकार द्वारा नियमित चीज़ें पर भी ध्यान देकर बनाया जा रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग देखिएगा। और हम लोग की जितनी टीम है, हमारी टेक्नीशियन टीम, कैमरामैन, मेकअप दादा, जितने भी आर्टिस्ट लोग आए हुए हैं, स्पेशल थैंक्स हमारे राइटर सर जो हम लोग को अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, बताते भी हैं, और अच्छा लगता है उनके हर एक चीज़ सिखाना बताना। हालांकि मेरी ये पहली फिल्म है और मैं असिस्टेंट डायरेक्टरिंग का काम कर रहा हूँ, और अभी बतौर हम लोग उसी चीज़ पर फोकस भी किए हुए हैं कि अगला जो भी हम लोग को काम मिले, जो भी हम लोग का वर्क मिले, उसे बखूबी आप तक दिखाए, आप लोगों को इंटरटेनमेंट में तो कमी ना छोड़े। बाकी सभी हमारी टीम लगी हुई है, सभी टीम मेंबर जुड़े हुए हैं, एक से बढ़ के एक चीज़ को दिखाएंगे और एक से बढ़ के एक चीज़ को दिखाएंगे। और बहुत भी कल हम लोग का एक और गाना शूट होगा कॉलेज वाला, चंचलता के साथ है कॉलेज का शूट है, तो मैं अभी चाहता हूँ कि मैं उसी साथ में आप लोग को दिखाऊँगा। जय किशन के रोल में आप देखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप सुनीता सिंह जी को ढेर सारा प्यार दिला आशीर्वाद देंगे, जो इतनी कम समय में हम लोग की बनाई हुई टीम के हिसाब से बहुत ही कम समय में अच्छे चीज़ को अनुभव की है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग हम लोग से जुड़ते हैं तो आप हमारे पर निर्भर ना होकर बल्कि आप लोग अपने टैलेंट को ऊपर लाएंगे। सभी लोग जुड़ता है, सभी लोग अपने काम को लेकर ही काम करता है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान मान इज्जत करते हुए, सम्मान देते हुए सब कुछ करिए, ठीक है, सब कुछ करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन आप करेक्टर को बिल्कुल ना भूलिए, आपके करेक्टर को देखा जाएगा, जज किया जाएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को दिखाया जाएगा। आइए वाल्मीकि, आइए एक शख्स से आपसे मुलाकात करा दें। कहने को तो ये गायक है, लेकिन इस फिल्म में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये देवालाल यादव जी के शिष्य भी हैं, और इस फिल्म में ये दो करेक्टर हैं जो बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। देखिए, नमस्कार, प्रणाम, हम मानी भोजपुरी लोग गायक वाल्मीकि यादव बारू, तो आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद दिल रही जा और अपने बेटा के आगे बढ़ाई जा। और आज फिल्म शूटिंग हो रहा बा बनारस की धरती पर कटहल गांव में, कटहलगंज, तो आप लोग देखी जा और प्यार ऐसे ही बने हुए रही जा। बहुत ज़्यादा अगर सपोर्ट की बात आए तो अगर मोनू भैया की बात आए सपोर्ट का, तो इन लोगों के बदौलत फिर से स्टार्ट हुई है मूवी। आज एक कदम एक आवाज़ पर देखिए दौड़ के चले गए लोग, और सोनू जी बैठे हैं तनके में, सोनू का भी आवाज़ आएगा, सोनू भी निकल जाएंगे, अरे एकदम, क्योंकि इस फिल्म के सेट पे कोई खाली बैठता नहीं है। आज हम लोग इसलिए खाली हैं कि भाई हम अभी हम लोग का शॉट नहीं है, अभी जो भी सभी लोग का शॉट है उधर रेडी हो रहे हैं, अभी हम लोग के देखिए रनिंग पावर चल रहा है।
और करेक्टर राइटर सर समझा रहे हैं सबको कि क्या सीखनी चाहिए। और बॉटर हटाइए, बॉटर हटाइए वहाँ से, बॉटर हटाइए, बॉटर हटाइए वहाँ से, फालतू चीज़ तो हटा दीजिए वहाँ से। और सबसे बढ़िया भूमिका अगर रहती है अगर इस चीज़ को डिनोट करना तो वो है कैमरा मैन, जो कैमरामैन जी जो हैं जितेंद्र जी, ब्रिजेश, ब्रिजेश हैं कैमरामैन, बहुत अच्छे सजे कैमरामैन हैं, अनुभव है उनके पास, अनुभव के साथ साथ टेक्निक भी है, जो चीज़ को शॉर्ट निकालते हैं, परफेक्ट निकालते हैं। आप लोग बिल्कुल हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा, हमारा चैनल है एम के फिल्म, इसको सारी डिटेल आपको दी जाएगी एम के फिल्म, इस पर ब्लॉगिंग से लेकर हर एक चीज़ लेकर चढ़ाते हैं, जो हम लोग शूट करते हैं प्रतिक्रिया जो भी हम लोग देते हैं अपना, सब लोग आप इसी पर देख सकते हैं कि अभी तक हम लोग पर क्या चीज़ हुआ है, कितने पीछे चले हैं। और माँ का रोल निभा रही हैं जो हमारी फाइनेंसर हैं यानी प्रोड्यूसर सरोज मैम, अभी मैं आप उनसे मुलाकात कराऊंगा, अभी उनका शॉर्ट शॉर्ट चल रहा है, अभी खाली जब हो जाएंगे मैम तो बात कराएंगे हम आपको उसे। और बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं लोग, जो अभी तक फिल्म को सबसे बड़ा पर्दे पर उतारने का काम होता है तो वो है प्रोड्यूसर का, जो एकदम पूरी तरह से सक्षम होता है, प्रोड्यूसर सेट है तगड़ा है, जानजिए का फिल्म बनना तय है और फिल्म को रिलीज करके आप लोगों के दिल और दिमाग पर लाना हमारे लोग का दिल से लव यू। और जुड़े रहेगा लाइव के साथ, जुड़े रहेगा, आप लोग को हर एक नोटिफिकेशन आप लोग को दी जाएगी, और हम लोग के जो भी कंपनी से जुड़ेगा उसको जो भी समस्या अगर होगी इंडस्ट्री में आने जाने से लेकर हर एक चीज़ का, उसको प्रॉपर हेडिंग किया जाएगा कि आप लोग क्या करें कैसे करें, बाकी सब बने रहेंगे। दिल से लव यू, जय हो। और ये वो शख्स है जिनकी वजह से आज पूरी मूवी कंप्लीट हुई है, इन्हीं के गांव में ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है। फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जो भी बोल देता है फिल्म बन जाती है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो लोग काम करते हैं, जो मैनेजमेंट से लेकर हर एक चीज़ का व्यवस्था करते हैं, जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत ज़्यादा कम। हमने देखा है लोगों का बहुत सारा रुकावटें आ जाती है कभी कभार फिल्मों में, लेकिन अगर मजबूती से साथ आप खड़े हैं तभी ये फिल्म बन पाएगी। राइट, सबसे बड़ी योगदान है आपका, धन्यवाद, और हमारे ब्लॉग में आपका सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक्स। थैंक यू। चलिए फिर मिलाते हैं आप लोगों को सबसे, और दिल से लव यू। और हम लोग के गाने का भी ज़्यादा थीम है, कल हम लोग गाना शूट करेंगे उसके बाद मुलाकात करेंगे, दिल से लव यू। ये सेट की दुनिया में चलते हैं आपको, देखिए देवा ले चाय की चुस्की लेते हुए, और ये हमारे कैमरा मैन जितने भी देखिए टेक्नीशियन टीम पूरी लगी हुई है, डायरेक्टर सर लगे हुए हैं, गांव के सभी लोग बाबूजी के साथ में आ गए। हरिंदर यादव ना हो रजनीश पाठक ना, हरिंदर यादव, गिरधर यादव, और रजनीश पाठक जी हैं जो हरिंदर यादव का रोल अभिनय कर रहे हैं। ये जय और किशन के बाबूजी हैं, ये पूरे गांव को लेकर आए हुए हैं, यादव की टोली है ये, पगड़ी बने हुए सभी लोग, लठ लिए हुए, और सभी लोग देखिए एक दूसरे को सबसे देखिए स्पेशल थैंक्स। इस मूवी का सबसे बनने में अगर सबसे बड़ा योगदान है ये हेमंत, इनके साथ एक सेल्फी पॉइंट बनेगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, और आज तकरीबन 7-8 दिन से लगातार फिल्म के सेट पे हम लोग बने हुए हैं, लगातार काम चल रहा है, रीत ना जाने रीत, मीत ना जाने रीत, है ना, वही बोला हूँ, मीत ना जाने रीत। और आप लोग का सबसे ज़्यादा प्यार, दुलार आशीर्वाद, और आइए हम सभी लोग से मिलाते हैं, यहाँ के जितने भी कलाकार रहेंगे जिसका किशन जी का रोल किए हैं देवालाल यादव जी, और सबसे खूबसूरत एक्टर का रोल निभाए हैं, जय का भाई का किरदार निभा रहे हैं जय यादव का, वो है हंस राजूलाल यादव जी, बबीता का रोल निभा रहे हैं सुनीता सिंह जी, और गीता को निभा रही हैं। नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव, सब लोग का सेटअप पे है और सीन चल रहा है, अभी हम लोग का भी आने वाला है, अभी मैं सीन दिखाऊंगा, अभी आप लोगों से ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को दिखाएंगे पूरा चीज़, हर एक सेट, हर एक चीज़ कैसे कैसे क्या होता है, और अभी तैयारी चल रही है, सब गाँव वाले आ चुके हैं, और हम लोग को अभी यहाँ से हटना है क्योंकि अभी इसके बाद सीन यहीं का लगेगा।
बड़ा खतरनाक। आइए हम दिखाते हैं फिल्म के सेट पे, देखिए जय और किशन का बहुत मार मार आइल बन जा प्यार के चक्कर में भैया इतना मर रहे बात बनाओ जा कि दवाई तनी सेट कर जा इतना मर रहे परेशान हूं मैं खूने बहुत हालत खराब बा आ वह दिखा दे भैया वह मामा पीटले बमा आ देखिए मामा जी लड़की को बाबू जी हम ही मर रहे हैं रगड़ाल बना जा बाद में बाद में बदला लीजिए अपने अपने मुलाकात कराते हैं सुनीता सिंह जी से। हालत इनकी भी खराब है। हाँ, नहीं नहीं रो रही है वियोग रो रही इसलिए ना नहीं पिया मिलन की वियोग के लिए मार पी है बहुत ज्यादा। और ये रहे बाबूजी नमस्कार भैया। और मैं इसमें बेटियों के पिता का रोल है मेरा बाबूजी मेरा तो नहीं फोटो खींचने का तरीका हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि खूब तरक्की करें खूब आगे जाएं हमारी यूनिट के सब लोग आगे बढ़े। मामा जी गुंडे मामा जी बहुत बुरे हैं ये मामा जी आप बहुत बुरे हैं कैसे मारे इनको बताइए डंडे से हरबा हरबो हथियार से अपनी डंडों से। बाकी का सीन आप लोगों को दिखाया जाएगा और फिल्मों में आप देखते रहिएगा।